और ये अभी जा रहे हैं एग्जॉस्ट को वेल्ड करवाने वेंट पाइप को। यार तो ये ड्यूल लगेंगे सर? ये ड्यूल लगेगा। क्या बात। What's up YouTube family, ki haal chaal, this is your Rohan and welcome to my YouTube channel Rider Mohan Rohan। So guys, aaj aap sabhi ke liye ek surprise hone ja raha hai aur bas surprise ye main abhi bataunga nahi, bas aapko ye batata hu wo hai bike related। wo so actually main abhi na ghar mein hi tha to mujhe Amrinder Bhaji ki call aayi, bhai kahan pe hai? मैंने बोला सर घर पे हूँ। प्रिय हाँ जी, तो फटाफट आ जाए शॉप पे, तुझे एक चीज दिखानी है। तो इसीलिए मैंने फटाफट अपनी बाइक उठाई और निकल पड़ा। अभी वहाँ चल के देखते एग्जैक्ट है क्या। आई थिंक हाँ मैंने सोच लिया और मुझे शायद पता भी हो, बट मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि आप सभी के लिए सरप्राइज भी तो होना चाहिए ना यार। तो आज वैसे मैं दूसरे रूट से जा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि भाजी का फोन आने से पहले मैंने एक और काम भी जाना था, तो वो सब करके तो अभी फिलहाल निकला हूँ। ओके ब्रो, ओके ओके ओके। यार पता नहीं लोग कैसे चलाते हैं, सीरियसली यार कोई वजह नहीं होती ट्रैफिक की, फिर भी इनकी वजह से ना ट्रैफिक लग जाता बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। अभी देखो इसके आगे कोई नहीं है, ठीक है, और इसको ना पता चल रहा है कि मैंने लेफ्ट साइड में चलाना है या राइट में। एकदम से लेफ्ट हो रहा है, एकदम से राइट हो रहा है। फिर कहेंगे यार पंजाबी लड़के गालियां निकालते हैं। ये देखो चोमू लाल। तो गाइस देख रहे हो कितना ट्रैफिक हो रखा है, टाइम 2 बज रहे हैं और ऑफिस टाइमिंग की वजह से इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना, लिटरली पूछो मत। और अभी सिचुएशन की बात करूँ तो मैं हूँ अमरिंदर भाजी की शॉप के जस्ट पास में। ट्रैफिक की वजह से भाई थोड़ा प्यार से चलाना पड़ता है क्योंकि एक तो बाइक सीट होने का वो रहता है इशू, और वैसे भी ना ठीक है यार प्यार से चलाओ, इतना कौन सा है, आग बजानी है जाके। बिग फैन सर, ब्लॉग चलदा ही लैके आया अज मैं कहा, ब्लॉग चलदा ही लैके आया अज। हाँ बिल्कुल, हम इनके बहुत बड़े फैन हैं। और सर बढ़िया सर, अकेले के ओ यार वो शहर से ही चलाऊंगा मैं। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं मोटर स्टैंड और ये देखो अमरिंदर भाजी भाग रहे हैं। पाजी बताओ पहले तो क्या सरप्राइज है? क्या सरप्राइज है आप बताओ? सरप्राइज है तो इसके बारे में बताओ तो सही, ये इतना बड़ा बीस्ट आपने लाके खड़ा किया वो भी आधा खुला हुआ, ये क्यों? ये 9000 है, इसका डीकेट सिस्टम डालने लगे। ओके तो ड्यूअल एग्जॉस्ट लगेगा? हाँ ड्यूअल ही होता है इसका। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाकी अभी इसकी फिटिंग कर रहा है हमारा राहुल भाई, और उसके बाद सबसे पहले तो 15000 की विंडस्क्रीन दिखा दो। सीरियसली भाई दोबारा बताना कितने की है? 15000। सिर्फ 15000 घर जाएंगा इसमें अपना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल इसमें घर जाएगा पर नहीं, चलो कोई बात नहीं। अभी इसकी प्रॉपर फिटिंग करने के बाद फिर आपको इसकी साउंड भी सुनाते हैं और देखते हैं फाइनल लुक इसका क्या निकल गया है। तो ये रहा 1000 का गाजर गुल्ला निकाल लिया भाई साहब ने। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। भाई इसमें अब यही गाजर गुल्ला लगेगा दूसरा लगेगा? ये आधा रहेगा। ये आधा लगेगा? आधा। कैसे? ये रहेगा। ओके तो अभी प्रॉपर फिटिंग भी इसकी देखते हैं कैसे फाइनल तैयार होता है ये। और ये अभी जा रहे हैं एग्जॉस्ट को वेल्ड करवाने वेंट पाइप को। कंट्रोल कंट्रोल। यार मतलब गंदी हरकतों से ना ये इंसान कभी बाज नहीं आएंगे। तो ये हमारे शकुन भाजी भी अपना ब्लॉग कर रहे हैं और बाकी फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे क्या। भाई वो वाले एग्जॉस्ट तो दिखाओ जो इस पे फिट होने हैं। तो बहुत सारी न्यू हेलमेट की रेंज भी भाजी के पास आ चुकी है, बट उसके बारे में बाद में बताएंगे। एक और स्पेशल आइटम ये पड़ी एग्जॉस्ट का कार्बन फाइबर हेलमेट,
जिनको नहीं पता वो मेरे इंस्टाग्राम में ऑलरेडी देख चुके होंगे, और नहीं देखा तो भाई अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ। ओके, एक्रापोविच पोविक बोलना है, ठीक है, देसी स्टाइल में। तो ये मतलब ये ड्यूल लगेंगे सर? ये ड्यूल लगेगा। क्या बात। तो अगर मान लो कोई वीडियो में इंटरेस्टेड होगा तो उसका क्या प्राइस रहेगा, तो थोड़ा आइडिया? वैसे सिंपल बेसिक बाइक के लिए बताओ, ये 2800 का पड़ेगा। ओके, सिर्फ एग्जॉस्ट? सिर्फ एग्जॉस्ट। ओके, विद डिलीवरी? ठीक है, यानी मफलर आपका 2800 का पड़ेगा। उसके अलावा अगर फुल सिस्टम चाहिए तो वो आपको डिपेंड करता है आप कौन सी बाइक के लिए ले रहे हो। क्यों सर? बैंड बाइक के चार्जेस अलग है हर बाइक के, तो उस हिसाब से तो बाइक वाइज वेरी करती है ना, जो भी हम बाइक सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से। R15 का अलग है, V3, V4, ये वो सबका अलग अलग प्राइस है। ओके, वेरी गुड। एग्जॉस्ट का सेम ही रहेगा, बैंड बाइक का अलग चार्ज। ओके, तो यानी कोई भी हमारा भाई बंधु अगर किसी भी बाइक में एग्जॉस्ट चेंज करवाना चाहे तो इनके पास और भी बहुत सारी चॉइसेस है। ये देखो, ऐसी के भी एग्जॉस्ट पड़े हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑन डिमांड अगर कुछ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, यशिमुरा का मिल जाएगा और तो उसका भी मिल जाएगा, सब कुछ। ओके, हाँ जी, ऑस्टिन रेसर का मिल जाएगा। ओके, एरो का भी मिल जाएगा, जेंगो जेंगो। तो भाई साहब, जहाँ तक बात है 1000 की, तो उसमें अभी एग्जॉस्ट का काम चल रहा है और अभी फाइनल नहीं हुआ कि एसी का एग्जॉस्ट रहेगा या उसमें एक्रा पोविच लगेगा। तो तब तक के लिए मैं पाजी की बाइक लेके जा रहा हूँ एक छोटे से राउंड के लिए, और बस वार्म अप हो रही है और इसमें फ्यूल भी डलवाना पड़ेगा। ये देखो अभी ठीक है, चल रहा है थोड़ा हीटिंग प्रोसेस, और उसके बाद देखेंगे उसका फाइनल लुक आवाज क्या आ रही है, क्योंकि अभी उसका काम चल रहा है। टेल टाइडी भी लग रही है, आप देख सकते हो राहुल भाई अपना काम कर रहा है। चलो बाहर आ फिर फटाफट। ओ भाई साहब, गजब के रिएक्शन मिल रहे हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया। ओके ओके, जाएंगो जाएंगो। सर जाने दो, ट्रैफिक में मत रोको हमें, बाइक हीट हो जाएगी। यार कितने फसाली गड्डी दूं मामा। ओके, तो स्वीट एंड साउंड। ओ भाई कहाँ गए? ओके ओके, जाएंगो 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 जाएंगो। भाई 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 भाई, भगवान की दया से हमें कहीं पे कोई पुलिस नाका ना मिले। क्या रिएक्शन मिल रहे हैं यार, सिर्फ यही एक रीजन है इस बाइक की वजह से मेरा दिल करता है कि यार मैं जल्दी ना सुपर बाइक बाय कर लूं लिटरली। भाई साहब, ये जितनी हीट होती जाएगी ना उतना लाउड ये और होती जाएगी, पर अल्टीमेट यार सीरियसली जो 800 है ना यार, ये मेरा सच्चा प्यार है आप बोल सकते हो। ओके, ऑल क्लियर ब्रो, कोई पुलिस वाला कोई नाका नुका तो कुछ नहीं है, ऑल सेट ऑल सेट।
जेंगो जेंगो जेंगो। ओ भाई अब लगा ना कहा जाके वहां पे। तो भाई मेरे को यार लिटरली इस बाइक से इतना ज्यादा प्यार हो चुका है ना, अगर डेली लाइफ में इसको चलाना पड़े ना, देखिए जितना मर्जी फ्यूज या खाए, जितनी मर्जी सर्विस या खाए, भाई यार लिटरली मेरे को ये बहुत पसंद है। अगर बात करें भूसा की, 10R की, हाँ अच्छी है लुकिंग वाइज भी पावर वाइज भी नो डाउट, बट इस बाइक का कोई आप कह सकते हो रीस नहीं है, मुकाबला नहीं है, दैट्स गुड। करो भाई स्टार्ट यार। और एग्जॉस्ट का ऐसे है ना, ऐसी जो एग्जॉस्ट थे 1000 के लिए वो फाइनल हो चुके थे, बट अभी उसका थोड़ा कुछ काम रहता था और मैंने भी घर वापसी आना था क्योंकि मुझे भी घर में कोई काम था, इसलिए तो मैंने ना ऐसे ही मतलब अनप्रॉपर या आप कह सकते हो प्रॉपर फिटिंग के बिना ही आपको एग्जॉस्ट सुनाने की मतलब कोशिश की, उसी में एग्जॉस्ट निकल आया। बट ठीक है, बहुत अच्छा सेटअप है जो भाई मतलब उस पर काम करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया है यार, हैट्स ऑफ, क्योंकि उन्होंने जो सिर्फ विंडस्क्रीन लगवाई है वो ही सिर्फ 15,000 की है, 14,000 का उसका प्राइस है और 1000 रुपीज़ उसके जो फिटिंग चार्जेस दिए वो जो भी है। तो होप करता हूँ आज का आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो आज के ब्लॉग को यहीं तक खत्म कर रहा हूँ, मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक साइनिंग ऑफ फ्रॉम बाय गाइस। आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय।